ये छोटे, इस चूजे को काट डाल या। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे बड़े अच्छे आदमी थे। ये हटो हटो, जगह दो जगह दो जगह दो। अरे अरे अचानक से क्या हो गया भाई? कल तो ठीक थे। हाँ, अरे ऐसा क्यों किया होगा रघु ने? हाँ सोमनाथ, तेरे पिता ने आत्महत्या कर लिया रे। पिताजी ने ऐसा कर लिया क्या? फटाफट यहाँ आ जा। पिताजी ने ऐसा क्यों किया होगा? मुझे जाकर पता लगाना होगा। अरे देखो भाई क्या हो गया, आत्महत्या कैसे कर लिया भाई? ए सबको जाके क्लियर करो। हाँ सर जाते हैं। हटो चलो, हटाओ 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 यहाँ से, चलो चलो जाओ अपने घर जाओ। सारे लोग जाओ, निकलो निकलो यहाँ से। देखिए जी, श्राद्ध वगैरह करके उधर ही रहने वाले हो तो पहले ही बता दो, बाद में मैं कोई कहानी नहीं सुनने वाली। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? सिर्फ 3 दिनों की बात है, समझी ना? तब तो ठीक है जी। सर मुझे बॉडी के पास से कुछ मिला है, ये सुसाइड नोट। सबसे पहले एम्बुलेंस बुला करके उस औरत को अस्पताल भेज दो। ठीक है सर। साथ ही जिसने फांसी लगा ली है उसके बारे में आसपास किसी से पूछताछ करके ठीक है सर स्टेटमेंट ले लो, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पोस्टमार्टम मत भेजो सर। कौन है ये? सर ये उनका बेटा है। बेटा है तो तुम कौन हो? मैं उनका पड़ोसी हूँ सर। और कितने बच्चे हैं इनके? सर उनके 2 बेटे हैं सर, एक बेटा यहीं रहता है, दूसरा फॉरेन गया है पढ़ाई करने के लिए। hey, सर एक बार और मुंह खोला तो बिना सबूत के केस में फिट करके तुझे अंदर कर दूंगा, समझ गया ना?
समझ गया सर। ए गुरु तू ही बता देना उनके सुसाइड करने का कारण क्या था? नहीं जानता सर। पता नहीं किसी से कर्जा लिया था क्या? नहीं जानता सर। तो फिर किसी और से कोई मनमुटाव था क्या? नहीं जानता सर। अबे जो कुछ पूछ रहा हूँ पता नहीं कर रहा है, तो उनका बेटा नहीं है क्या? सर मैं पिछले 5 सालों से उनसे दूर ही रह रहा। 5 साल से अलग रह रहा है, कारण? मैं शादी कर ली थी। ओह प्राइवेसी के लिए ना? हाँ सर। पोस्टमार्टम के लिए मना क्यों कर रहा था? वो क्या है ना सर, मेरे पिताजी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मत भेजिए। जब वो जिंदा थे तो मैंने कभी उनको तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। अब उनको काटना पीटना नहीं देख पाएंगे सर। सर मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ साहब। उनको मत भेजो साहब, उनको मत भेजो साहब पोस्टमार्टम के लिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सर, सर मेरी बात मानिए सर। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ सर, प्लीज सर, प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर। काश मेरा भी ऐसा ही बेटा होता। प्लीज सर। सर यहाँ पे हाँ। सभी लोगों से मैंने उस आदमी के बारे में पूछताछ की, लेकिन सभी लोग उसके बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं सर। कह रहे हैं वो आदमी तो बहुत अच्छा था। ठीक है तुम अपना काम करो जाओ। यस सर। खड़े हो जाओ अब। देखो संभालो अपने आप को, मैं भी इंसान हूं। तुम क्रियाक्रम पे ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लेता हूं। ठीक है सर। ठीक है। पिताजी के सारे संस्कार मैंने किए, अस्थि विसर्जन छोड़ दिया। चाहता तो कर देता, लेकिन तुझे पता है ना पिताजी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद मत आना, आया तो मेरी चिता को आग मत देना, उसे मेरा बेटा ही करेगा ऐसा कहा था उन्होंने। यानी कि तू, वो बात मेरे दिमाग में अभी तक घूम रही है। संस्कार तो मैं भी नहीं करना चाहता था, लेकिन तू आया ही नहीं इसलिए मैंने कर दिया। यही हुआ था, आगे के सारे काम अब तू ही करना। और माँ? यही पास के नर्सिंग होम में मैंने एडमिट कर दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि डेमेंशिया है उनको, ज्यादा शॉक हो जाए तो ये होता है ऐसा कहा। मुझे और कुछ नहीं पता। पेशेंट के साथ कौन आया है? डॉक्टर साहब उसे बुला रहे हैं। आप घर जाइए, मैं संभाल लूंगा। काश ये भी मर जाती अपने पति की तरह। कैसे लेटी है बुढ़िया। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरी माँ की हालत अब कैसी है? नथिंग टू वरी यदुनंदन। आजकल जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर जैसी बीमारी है, वैसे ये भी एक बीमारी है। इस बीमारी का भी एक असर होता है, मेमोरी लॉस होता है। साइंस की भाषा में कहे तो अल्जाइमरस यानी डायमेंशिया कहते हैं। ज्यादातर ये 60 से 70 साल के लोगों को होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है 40 साल के लोगों को, 50 साल के लोगों को भी हो रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ड्यू टू सडन शॉक योर मदर इज फेसिंग दिस डिजीज। इसका मतलब मेरी माँ अब पहले जैसी हो जाएंगे, लेकिन मेरी मेडिसिन से नहीं, या फिर मेरी ट्रीटमेंट से भी सही नहीं होंगी। पेशेंट को अपनापन चाहिए, उनको तुम्हारी देखभाल की बहुत जरूरत है। तो मैं माँ को घर ले जा सकता हूँ? बस आज एक दिन रहने दो, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उसके बाद तुम कल उन्हें लेके जा सकते हो। आगे से मैं उनका चेकअप करता रहूंगा। ओके गुड डे। थैंक यू सर।
पिताजी। कपड़े क्यों पैक कर रही हो? मतलब क्या है? क्या है ना, माँ की हालत सही नहीं है ना, हम चले जाएंगे तो वो क्या सोचेगी, बुरा लगेगा ना। हमें घर से बेइज्जत करके निकाला था, तब हमें कैसा लगा था, क्यों इतनी जल्दी सब भूल गए? हाँ, लेकिन मैं कुछ नहीं भूली, कुछ नहीं बोला हूँ। क्या वो... ये वो कुछ नहीं जानती मैं बस बच्ची को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। आप जो भी बोलना चाहते हैं सीधा सीधा बोल दीजिए, घुमा फिरा कर बात मत कीजिए। ये मैं क्या घुमा फिरा के कह रहा हूँ क्या? मामा ये समझो तो। अच्छा, समझ गई मैं आप क्या कहना चाहते हैं। क्या समझ में आया? आपको समझने की जरूरत नहीं है। देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आखिर कहना क्या चाहते हैं आप? यहीं रहकर तुम्हारी माँ की सेवा करती रहूँ, टाइम टाइम पर उनको खिलाती पिलाती रहूँ, खातिर करती रहूँ बस। पल्लवी, तुम गलत समझ रही हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं सब जानती हूँ, ठीक है? आपने कहा था सिर्फ 3 दिन के लिए रहेंगे, लेकिन अब 4 दिन बीत चुके हैं, मुझसे एक भी दिन नहीं रुका जा रहा, मैं जा रही हूँ बस। पल्लवी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो जी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी, समझे? अरे पल्लवी, जल्दबाजी मत कर, माँ का तो मुँह देख। पल्लवी, वो मैं ये नहीं कह रही कि आप भी मेरे साथ चलिए, आप यहाँ रहिए, सारा काम करिए, साल भर की बरसी भी मना कर आइए, उसके बाद अगर मन करे तो घर पर आ जाना, वरना उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। मेरा भी कोई स्वाभिमान है, समझने की कोशिश करिए, अब मेरा रास्ता छोड़िए। ए पल्लवी, मेरी बात तो सुन प्लीज। पल्लवी, पल्लवी मेरी बात सुन, ये जो तू कर रही गलत है, मेरी बात सुन। ए, कहाँ भाग रही है, चल चल मेरे साथ। मम्मा छोड़ो ना, मुझे रॉकेट चाहिए। पल्लवी प्लीज, मैंने कहा चलो, पल्लवी चाहिए। अरे रुको प्लीज, ये गलत है पल्लवी। कैब रेडी है। माँ तो क्यों रो रही है? जाने वाले तो चले जाएंगे, मैं तेरे साथ हूं ना माँ, तू रो मत माँ। माँ, आप कौन है? मुझे इस एरिया में लोग सेठू के नाम से जानते हैं। ओके, आपको काम क्या है? इस घर के मालिक से। लेकिन वो तो पता लगते ही मैं सीधे यहाँ चला आया। वैसे ही बताओ, तुम कौन हो? उनका बेटा, यदुनंदन हूँ। अच्छा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यदुनंदन, तुम्हारे पिताजी ने इस घर के पेपर गिरवी रख के 50 लाख रुपया कर्जा लिया था, और पैसे लेके 6 महीने हो गए, ना ब्याज लौटाया ना असल लौटाया, और अब तो वो दुनिया में नहीं रहा, तो ऐसे में कानूनी कार्रवाई करवाना तो मेरा फर्ज बनता है ना बेटा, समझ रहे हो ना? क्योंकि पैसा पैसा दिया है ना मैंने। सर, जहां तक मुझे पता है सर, पापा को पैसे की जरूरत नहीं थी। अरे
मैं ये क्यों सोचूं? मैंने बस चेक किया कि पेपर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। लगा ओरिजिनल है, इसलिए जितना पैसा मांगा मैंने दे दिया उनको। हमारे लिए किसी की प्रॉब्लम से ज्यादा हमारे ब्याज की चिंता रहती है, समझ गए ना? मारवाड़ी हूं मैं, चाहे तो पेपर देख लो। ये सिग्नेचर तुम्हारे बाप के ही है ना, या किसी और के हैं? हाँ। तो फिर मैंने उनको गिन के पैसे दिए हैं। तो फिर बेटा मैं तुमको भी 2 दिन का समय देता हूं, मेरे पैसे 2 दिन के अंदर लौटा देना, नहीं तो मकान खाली करके दफा हो जाना। धंधा है मेरा, चोखो मारवाड़ी हूं, 2 दिन बाद आता हूं। यादव ठीक से याद रखना, सिर्फ 2 दिन का टाइम है तेरे पास। ये सब क्या है माँ? पापा को 50 लाख रुपए की जरूरत क्यों थी? वो सेठ कह रहा था पिछले 6 महीने से ब्याज के पैसे नहीं दिए हैं। वो सेठ कह रहा था सेटल करो या फिर घर खाली करो। ऐसी भी भला कौन सी मुसीबत आई थी? बोल ना माँ, माँ बोल ना माँ, माँ। मुझे आने में देर होगी, थोड़ा माँ का ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। कैसा है तू? सब ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ यार। अंकल की डेथ के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं चला। मैंने उन्हें आखिरी बार मेरे पास जमा किए 15 लाख रुपए लेने आए थे तब देखा था। 15 लाख रुपए? हाँ। तुझे पता नहीं क्या? नहीं यार। मुझे लगा तुम्हें सब पता होगा। हे यदु, हे सुनना। अरे सुन के जा भाई, क्या हुआ तेरे को? सुनना, वो मेरे पास इसलिए नहीं आए थे कि वो प्रॉब्लम में थे। उन्हें अपने मन सामान की बहुत चिंता थी और वैसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया करते थे। कहने लगे घर में बैठकर बोर हो जाऊंगा इसलिए कुछ काम कर लूं, तो मैंने यहाँ हिसाब किताब देखने के लिए बुला लिया था। कोई परेशानी है क्या बेटा? कोई समस्या हो तो बोलो बेटा। यदु कहाँ जा रहा है बेटा? कोई समस्या हो तो मिलकर सुलझा लेंगे बेटा। रुक जा, मत जा बेटा, ये भी अपने बाप की तरह ही। मैं तो नहीं जानता बेटा, तुम्हारे पिता बड़े अच्छे इंसान थे, उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया समझ में नहीं आ रहा। उन्हें कोई परेशानी थी क्या? नहीं नहीं, उनको कोई समस्या नहीं थी, वो तो हमेशा खुश रहा करते थे जो है, हमें इतना पता है। हाँ, और उन्होंने हमसे कोई ऐसी परेशानी शेयर भी नहीं की। पैसे होते तो कॉफी वगैरह पिला देते थे और साथ में गप्पे वगैरह भी लड़ाते थे। फांसी की वजह तो हमें नहीं पता।
मैंने उन्हें आखिरी बार मेरे पास जमा किए 15 लाख रुपए लेने आए थे तब देखा। वो मेरे पास इसलिए नहीं आए थे कि वो प्रॉब्लम में थे, उन्हें अपने मान सम्मान की बहुत चिंता थी। तुम्हारे पिता बड़े अच्छे इंसान थे, उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया समझ में नहीं आ रहा। हाँ माँ, दादी कौन है बेटा? घर खाली है क्या? नहीं बेटा, घर खाली नहीं है। ठीक है दादी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे खाली नहीं है। सर घर खाली है क्या? घर खाली नहीं है, बोर्ड ऐसे ही लगा हुआ है। कमीने, कीड़े पड़ेंगे तुझे कीड़े। गधी के बच्चे घूर क्या रहा है? पहले ही तेरा हाथ पैर तोड़ चुकी हूँ, और क्या चाहता है अब तू? घोचू बेवकूफ इंसान, मेरे कमिटमेंट के बारे में जानता है ना तू? मेरा एरिया, मेरी गली, मेरे रोड के सामने घूमने लायक नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं, समझ में आया क्या? इस औरत का पता नहीं कब छूटेगा। देखते हैं, शायद शाम को मेरा पेमेंट मिल जाए। और मेरी माँ हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी होती है, दूध को छूकर देखती है गाढ़ा या पतला, 50 बार बिल बजाते हुए खड़ा रहना पड़ता। अरे दीदी पैसे दोगी क्या आज? रोज आके खड़े रहना पड़ता है, अब अंदर छुप कर क्या बैठी हो? मेरे पैसे तो दे दो, पेट भर के दूध पीती हो ना, अब पैसे देने में दिक्कत हो रही है, कल फिर आऊंगा मैं। इसको तो गाय का नहीं गधे का दूध देना चाहिए। मुझे पैसे नहीं मिले मेरी माँ तो जान से ही मार देगी मुझे। तू अपने आप को समझता क्या है? 1 लीटर दूध में 0.5 लीटर पानी होता है, और फिर भी हम उसे एडजस्ट करके पीते हैं ना। पैसे के लिए 5 दिन लेट क्या हुआ? बेल बजा बजा कर 50 बार मुझे परेशान कर चुके हो। अगली बार अगर और बेल बजाया ना तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तू मुझे समझता क्या है? हाँ अभी के अभी निकल यहाँ से, वरना कीड़े पड़ेंगे तुझे। सब कीड़े। मैं अपने कंट्रोल में रखता हूँ, लेकिन ये औरत मुझे अपने घर में नाकारा समझती है। इसके घर का चक्कर लगा लगा के मेरे चप्पल घिस गए, बेशरम औरत है। अरे मैडम दरवाजा खोलो, पैसा दे दो मेरे, कब तक इंतजार करूं मैं? 1 महीने से ज्यादा हो गया। गुड डे बिस्किट चाहिए, मारे बिस्किट चाहिए, इतना सारा खा के जो बकाया है ना उसका 15-20 हजार हो गया है। टाइम पर पैसा देने में क्या जाता तुम्हारा? और गुड डे बिस्किट, मारे बिस्किट चाहिए, बेशरम कहीं की अंकल अंकल कह के दुकान के सामने आ जाती है। मैं पागल इंसान इसके बातों में आकर सब दे देता हूँ, क्या होगा मेरा भगवान ही जाने। और दो बेटा उधार और खाओ जूतों से मार। हे भगवान, सुना तूने मधु, कितनी बातें सुननी पड़ रही है तुम्हारी वजह से। एक गुड्डे बिस्किट के लिए मेरी इंसल्ट करके जा रहा है ये इंसान। कितनी शान से सर उठाकर जीती थी, तुम्हारी वजह से सर झुकाकर चलना पड़ रहा है। 3 दिन, पूरे 3 दिन हो गए हैं खाना खाए बिना। ये ग्लूकोज पाउडर खा खा कर पानी पी रही हूँ, दूसरी जगह जाकर राशन भी नहीं ले सकती। इन लोगों ने सबके कान भर दिए हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? किसकी वजह से? तेरी वजह से। तुम मर जा साले। ताजी ताजी आलू प्याज मेथी कैरेट बैंगन ले लो, तरकारी ले लो। ओ मेन साहब बाहर आओ। सड़ी हुई बैंगन है, सड़ी हुई कैरेट है, वो प्याज इतना मोटा है, ये सब बोलती हो ना मेरी सब्जी के बारे में। ओ मैडम बाहर निकलो, मेरे पैसे दो। अरे पैसे दो, क्यों सता रही हो? अरे बहुत टाइम हो गया, भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं। अरे दो ना मेरे पैसे। दोगी या नहीं? क्यों इतना परेशान कर रही हो? कब तक खड़ी रहूं मैं यहाँ? अरे जानवर कहीं की, चुड़ैल है तो चुड़ैल। पैसे मांगो तो मुंह पर लोटा फेंकती है।
तेरा कुछ ठीक नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगी, तू देखना। अब ये देख, ये भी आ गई, भिखारी की तरह मेरे पीछे पड़ी है। ए मैडम, मेरे पैसे दे दो ना, लग रहा है इनके पैसे लेकर मैं भाग जाऊंगी कहीं। और एक तो आधी से ज्यादा सब्जियां सड़ी हुई होती हैं, लेकिन पैसे मांगने बराबर टाइम पे आ जाएंगी ये। इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती ना, मर जा, तू भी कहीं जाकर मर जा। सुना तूने, पागल औरत, मर जा यहाँ से जाकर। हेलो, बेल बजाना बंद करके मैडम, कोई है क्या? तुम्हारी खैर नहीं अब तो। ये कौन है बे तू? क्या काम है तुझे? घर चाहिए था। कमीने, अब तुझे मेरा घर चाहिए? हाँ बोल बोल, अब तक दूध वाला आकर परेशान कर रहा था, राशन वाला आकर परेशान कर रहा था, सब्जी वाली आकर परेशान कर रही है, और अब तुझे मेरा घर चाहिए? हाँ देती हूँ तुझे मैं। हाँ रुक जा, रुक जा, घर चाहिए ना तुझे, रुक जा। मेरी बात सुनिए, टॉयलेट का बोर्ड था, टॉयलेट का बोर्ड था। सॉरी, आप घर किराए पर लेने आए हो? मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, सॉरी। हाँ आप बैचलर हो या शादीशुदा? मैं बैचलर्स को घर नहीं देती। अरे लेकिन मैं बैचलर हूँ, लेकिन परिवार के साथ रहता हूँ। ओह ऐसा है क्या, आइए मैं आपको घर दिखा देती हूँ। और आपके परिवार में कौन कौन रहता है? मैं और मेरी माँ है। ओह ऐसा क्या, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस घर में मैं अकेले रहती हूँ। अब आप दोनों आ रहे हैं, आप रोज नहाते तो होंगे ही ना? हाँ, लेकिन क्यों? नहीं कुछ नहीं, बैंगलोर में पानी की प्रॉब्लम है ना, इसलिए पूछ रही थी। इन दोनों घर के लिए सिर्फ एक ही टंकी है, और आप लोग दो हो और मैं अकेली हूँ, तो ऐसे देखा जाए तो आप ही ज्यादा पानी इस्तेमाल करोगे। और हाँ, रात के 10 बजे सारी लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए, मैं तो 9 बजे ही बंद करके सो जाती हूँ। इन दोनों घर के लिए एक ही मीटर है ना, तो इसलिए इसे भी शेयर करना पड़ेगा, पता है ना? एडवांस में 80,000 और किराया 8,000 है। एडवांस में 10,000 कम भी दोगी तो चलेगा, लेकिन किराया में 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी। अगर कंडीशंस के साथ आप तैयार हैं, तो आज ही टोकन मनी दे दीजिए, वरना पूरे एरिया में अच्छा घर मिलना बहुत मुश्किल है, जानते हैं? ऐसा है क्या? ओके। आखिरकार ये बकरा फंस ही गया। ये एडवांस लीजिए, बाकी हाँ, मैं कल आकर दूंगा। ये सब्जी वाली, राशन वाला, दूध वाला, ठीक से गिन लीजिए, 25,000 है। हाँ हाँ ठीक है। वैसे आप शिफ्ट कब करोगे? कल ही आ जाऊंगा। Oh, that's great. Okay. 31, 32, 33, 34, excuse me. हाँ बोलिए ना। क्या है ना, यहाँ सभी के गेट पर beware of dog लिखा होता क्या? है, लेकिन आपके गेट पर नहीं लिखा है। क्योंकि हमारे घर में डॉग है ही नहीं। हाँ, सही कहा आपने, समझ गया। हाँ 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 ठीक है। 36, 37, हाँ क्या कहा इसने? एए! मुझे कुत्ता कह रहा है, कल आ कमीने, बताती हूँ तुझे, समझता क्या है खुद को? क्यों चिल्ला रही है? उसने मुझे, छोड़ो, चलो यहाँ से। ए मधु, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तेरा फोन बंद आ रहा है। कर्जदारों ने मुझे परेशान करके रखा था। क्या बात है यदुनंदन, मैंने सोचा तुम कर्जा चुका दोगे, तुमने तो घर ही खाली कर दिया। सर, मैं सिर्फ ये घर खाली कर रहा हूँ, लेकिन हमारा मन हमेशा इसी घर में रहेगा। बहुत सारी यादें जो हैं यहाँ पे, बहुत सारी यादें हैं यहाँ पे। Thank you.
माँ, माँ, क्या हुआ माँ तुझे? माँ, ये लीजिए, ये रहे बाकी के पैसे। आराम से भी दे सकते थे ना। कोई बात नहीं है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? नो थैंक्स। गाड़ी रेडी है क्या? हाँ सर, रेडी है। सर, अगर गाड़ी बेचनी है तो बता देना, मैं इसे अपने अब्बू को दूंगा। गाड़ी बेचेंगे क्या? नहीं नहीं, बेचूंगा नहीं। मेरी एजुकेशन के लिए, हमारे परिवार के लिए, मेरे पापा की सेहत के लिए इस गाड़ी ने बहुत साथ दिया है। और वैसे भी ये गाड़ी नहीं, मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। कितना हुआ है? 500। चलता हूं। जगह और नया घर, नींद तो आई ना आपको? हाँ बिल्कुल। ये लीजिए चाय। वो क्या है, नहीं चाहिए। शर्मा रहे हो या संकोच कर रहे हो? ओह, देखो आप सिर्फ किराया दो, आपको मेरी चाय और कॉफी के बिल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? अरे यार, जब भी कोई जरूरी काम होता है ये बंद पड़ जाती है। अच्छा, अब क्या करूं मैं? हे सुनो, एक मिनट रुको, सुनो। छे, बेवकूफ इंसान, सुना लेकिन ऐसे ही चला गया। क्यों? ए, तुम्हारे कान में कोई प्रॉब्लम है क्या? What? वो मैं फल दुकान के पास थी और आपको आवाज लगा रही थी, लेकिन आप बिना सुने ही चले गए। ऐसा कोई करता है क्या, इसलिए मैंने आपको अभी। ओह, तो वो आप थी क्या? हाँ हाँ, कोई आवाज तो दे रहा था, हेलो हेलो, इधर आओ इधर आओ, सुनो, लेकिन मुझे लगा कि कोई और बुला रहा है। आपको कोई काम था क्या? कुछ नहीं। वो क्या है, फल है क्या? हाँ। चाहिए क्या? नहीं नहीं चाहिए। ओके ओके। कोई और? हाँ, इस घर की मालकिन मैं हूँ और इसे कोई और समझ आ रहा है, बेवकूफ इंसान। दीपू, मैंने सबका हिसाब कर दिया है और ऐसा लग रहा है कोई बड़ी मुसीबत सर से टल गई है। अब मैं बहुत खुश हूँ दीपू, अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ।
ए दीपू, मैं तुझे थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। हाँ, ऐसा क्या काम हो सकता है? होटल से पार्सल क्यों ला रहा है? ओह, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है शायद, इसलिए। देखो, बाहर होटल का खाना खाकर तुम्हारी सेहत तो बिगड़ेगी ही, साथ साथ में तुम्हारी माँ की सेहत भी बिगड़ जाएगी। आज से तुम्हारी और तुम्हारी माँ का नाश्ता मैं ही लाकर दूंगी, समझे ना? ओह, मैं तो भूल गई थी, तुम तो बहुत स्वाभिमानी हो ना, ऐसा टेबल पर रखी कल की चाय मुझे बता रही है। बेचारे, तुम मुफ्त में कोई चीज नहीं लेते हो ना, तो एक काम करो, ये किराए के पैसे में टी कॉफी का पैसा भी ऐड कर देना, ठीक है ना? अगर ये कंडीशन तुम्हें मंजूर है तो टेबल पर रखी दो इडली और सांबर खा लेना। हे, हेलो, टिफिन कैसा था तुमने बताया नहीं? हाँ, बहुत अच्छा था। फिर भी तुम मुझे बिना थैंक्स बोले जा रहे हो, हाँ? कैसे कहूँ, मैं कोई मुफ्त में थोड़ी खा रहा हूँ। टेस्टी हो इसके लिए बादाम और पिस्ता एक्स्ट्रा डाल कर दिया, और खाकर मुझे यकड़ दिखा रहा है, मन कर रहा है मुंह पर घूसा मार दूँ। हाँ? बेवकूफ। आपने कुछ कहा क्या? कुछ भी नहीं, वैसे मेरा नाम मधुमिता है, तुम मुझे मधु बुला सकते हो। हेलो, किधर? यदुनंदन। तो क्या मैं तुम्हें यदु कहकर बुलाऊं? ओके। ओके। अरे यार, ये तो नाम बताने में भी इतना सोचते हैं। मधु। अजीब प्राणी। हाँ हाँ, बोलो ना। क्या है ना, ये जगह मेरे लिए नई है ना, मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए कोई आई मिलेगी क्या यहाँ? हाँ, मिल जाएगी। आया की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना यहाँ पे, आप यही कहेंगे, मैं जानता था। हाँ तो क्या? वैसे भी आप खाने पीने के बिल तो लेती है ना? हाँ। तो उसी तरह मेरी माँ का ख्याल रखने का कितने पैसे लेंगी आप? What? ऐसा? पेमेंट के बारे में बताना मत भूलिएगा। मैं इस घर की ओनर हूँ, मुझे क्या आया समझता है, बेवकूफ कहीं का। 10 बजे सारी लाइट्स ऑफ करने को कहा था, फिर भी लाइट्स ऑन है, क्या बात हो सकती है? तक जिंदा रहने के लिए बहुत सी चीजों के साथ सुलह तो करनी पड़ती है। नहीं, नहीं करना, कभी नहीं करना। मैं इंसान हूं, भगवान की सबसे बड़ी सृष्टि, मैं उसका प्रतिनिधि हूं। क्या देख रहा है? हेलो, ये इधर उधर क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कोई ऑटो यहाँ से मिल जाएगी, उसी का वेट कर रहा हूँ मैं। मेरे घर का गेट तुम्हें कोई ऑटो स्टैंड लग रहा है क्या? ऐसा नहीं है, अपनी माँ को मंदिर ले जाना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पे कोई ऑटो मिल जाएगी वेट कर रहा था। ओह, ऐसा क्या? आप मेरी कार लेकर जाइए, ऐसे भी वो कोने में खड़ी ही रहती है, और ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अगर ज्यादा दिन तक गाड़ी खड़ी रही तो इंजन जो है ना वो सीज हो जाती है, समझे ना? ऐसा मैंने एक फिल्म में डायलॉग सुना था। ओह सॉरी, तुम तो बहुत स्वाभिमानी हो ना, ऐसे फोकट में किसी की चीज थोड़ी यूज करोगे। हाँ तो मैं भी तुम्हें कोई फोकट में नहीं दे रही हूँ, तुम खुद से कार में पेट्रोल डलवाओ और लेकर जाओ। मैं कार की चाबी लाकर देती हूँ।
और हाँ, जो तुम ऑटो वाले को पैसे दोगे ना, उसी पैसे का तुम डीजल डलवा लेना, ठीक है ना? तुम यहाँ रुको, मैं कार की चाबी लेकर आती हूँ। और वैसे तुम यहाँ पे कौन से मंदिर जा रहे हो? यहाँ पे जो भी पास में मंदिर होगा वहीं जाऊंगा ना। वैसे मुझे यहाँ एक फेमस मंदिर पता है जो बहुत पावरफुल है, मैं भी चलूँ क्या? वो क्या है ना, मुझे मंदिर गए हुए काफी टाइम हो गया है, प्लीज। हेलो, तुम्हें मुझे फोकट में ले जाने की जरूरत नहीं है, जो पेट्रोल का पैसा होगा वो आधा मैं भी दे दूंगी, ठीक है ना? हेलो, ठीक है ना? ठीक है। एक मिनट गाड़ी रुको यहाँ पर, मैं तुरंत जाकर फूल लेकर आती हूँ। ठीक है। पापा पापा स्कूटर रोक पापा। पापा कितनी ऊंची बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग तो आसमान से भी ऊंची होगी ना पापा। नहीं बेटा, आसमान बहुत ऊंचा है। हाँ मैं पढ़ूंगा। हाँ बेटा, पढ़ूंगा इसके लिए। और ऐसी ही ऊंची बिल्डिंग में अपना एक घर बनाएंगे पापा। मेरे सारे दोस्तों को बुलाऊंगा और उन्हें दिखाऊंगा भी पापा, उनके साथ स्विमिंग पूल, स्पोर्ट क्लब, सब जगह घूमूंगा मैं यहाँ पे पापा। हम रह सकते हैं, लेकिन तुम्हें खूब पढ़ना होगा, बड़ा आदमी बनना होगा, तब हम ऐसे घर में रह सकते हैं। हाँ पापा, मैं बहुत पढ़ूंगा और बड़ा आदमी बनके यहीं पे घर बनाऊंगा। हाँ, वेरी गुड। हेलो, क्या हुआ? यदु, मुझे यहीं उतरना है, तुम लोग मंदिर जाकर आओ। हाँ माँ, माँ क्या हुआ तुझे? माँ माँ क्या हुआ, क्या हुआ माँ? अरे सॉरी सॉरी। सुनो यदु, तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सर मैं एक मिनट में आया। मैंने जो मेडिसिन लिख के दिए उसे देते रहना, मेरे बताए ट्रीटमेंट को फॉलो। ओके सर, फॉलो करूंगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये तो मेरा बैग है, मतलब मेरा बैग छीन कर भागने वाला यही था। एक नंबर का बेशरम इंसान है, मैं तो उसे छोड़ूंगी नहीं। ए मधु, तू गुस्सा मत हो, तू भी ना यार। ए पागल, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मेरा ही बैग था। मेरी बात सुन यार।
शायद वही होगा। अगर वो हुआ ना तो उसे मैं छोड़ूंगी नहीं आज। मधु मैं जाकर देखती हूँ, तू चुपचाप बैठ यहाँ। अंदर आ सकता हूँ क्या? आइए। थैंक यू। क्या हुआ, दो दिन से आप घर नहीं आ रही हैं? ओह, रेंट देने में देर हुआ इसलिए? अरे ऐसा नहीं है। ये लीजिए किराया, माँ के खाने का और ख्याल रखने का। हाँ वहां पे रख दो। देखा तूने, देखा इसे? कूल हो जाना। ए सुनो, रुको जरा। दे यार। क्या मधु, प्लीज चल हट। सुनो, तुम्हारे घर में वो वैनिटी बैग किसका है? कौन सा वैनिटी बैग? वही बैग जिसे तुमने अपने तिजोरी में सेफली रखा है, उसी बैग के बारे में बात कर रही हूँ। ओह वो बैग? क्या, एक लंबी कहानी है। अच्छा अब ये क्या कहानी है? वो उस दिन जब ये बकवास गाड़ी शुरू हो जाओ। वो तेरा बैग चोरी करके भाग रहा है, कोई मेरी मदद करो, उसमें बहुत सारे पैसे हैं, प्लीज कोई मेरी मदद करो। इन चोरों को मेरा ही बैग मिला था चोरी करने के लिए, सारे पैसे उसी के अंदर थे। अब मैं कैसे मैनेज करूंगी, इस मंथ का सारा खर्चा कैसे मैनेज करूंगी? एक तो ये स्कूटी भी नहीं चलती, परेशान हूँ मैं इससे भी। बस इतना ही हुआ था। हाँ अगर ऐसा है तो वो घाव दिखाओ। कैसा घाव? वही घाव जो तुम्हें उस दिन लगा था, दिखाओ। ओह वो चोट क्या? इसे तो सच में चोट लगी है, पर वो लेफ्ट था या राइट? हाँ लेफ्ट ही था। हाँ तो तुम वो वैनिटी बैग पहुंचा तो सकते थे ना? उस बैग को वापस करने के लिए मैं वहां आया था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। बैग को चेक भी किया था, उस इंसिडेंट की वजह से बैग में कोई एड्रेस नहीं मिला। मेरे पापा का फेवरेट जैकेट भी खो दिया। मर जा, तेरी वजह से सब हुआ है, तेरी वजह से। इसे बताऊं क्या? प्लीज मत बता, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, प्लीज। ओके चलता हूँ। हाँ ओके। बिना सबूत के किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाते। छी। ए। ये भी चली गई। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो आंखों में आंसू क्यों है? कुछ पुराने दिन याद आए, बस इसीलिए। इसमें रोने वाली क्या बात है? एक समय ऐसा था जब मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ, यही सब मेरी दुनिया हुआ करती थी। लेकिन आज देखो, मेरे पापा मेरे साथ नहीं हैं, और भाई होते हुए भी नहीं हैं, और माँ के बारे में तो तुम्हें पता ही है ना? अच्छा तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता? भैया हम लोगों से दूर नहीं है, हम ही लोगों ने उन्हें अपने से दूर कर दिया। मतलब? अरे कहाँ रख दिया मैंने, कहाँ गया? माँ तुमने कहाँ रखा है? अरे वहीं कहीं होगा बेटा, ढूंढ। अरे माँ यहाँ पर नहीं मिल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो। माँ सब मुझे ही ढूंढ कर देना पड़ेगा। मिला क्या सोमनाथ?
अरे घबरा मत, मैं हूं ना। हाँ, ये क्या? हाँ माँ। पिताजी सोमनाथ। अरे वहां क्यों खड़ा है यहाँ? अरे डरता क्यों है? मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं ना यहाँ पे। सुनो सरसो, बेटा शादी करके बहू को घर लाया है। अरे आरती उतार कर उन्हें अंदर लेने की बजाय ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ी हो? एजी। देख देख अपने बेटे को अच्छे से देख, कितना प्यार से पाला था। क्यों गुरु, क्या कमी थी हमारे प्यार में? बोलो सरसो, क्या इसे हमने प्यार नहीं दिया? वो भी सही है, अगर हमने इसे ठीक से पाला होता तो ये क्यों अपनी पसंद की लड़की से अपने माँ बाप के बिना मर्जी से शादी करके यहाँ चला आता। रघुनंदन, बच्चे हैं, छोड़ना इसको, गलती हो जाती है। तुम चुप रहोगे जरा? भले एक वक्त की रोटी मिले फिर भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, पता है क्यों? अपने आत्मसम्मान के लिए। यहाँ मेरे आसपास के लोग मुझ पर हंसेंगे, ऐसा काम किया इसने, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, चला जा, जैसे आया है वैसे ही वापस चला जा, चला जा। पापा, एक लफ्ज नहीं, तेरा बाप मर गया तेरे लिए, दूर हो जा मेरी नजरों से, चला जाओ, चला जाओ, चल निकल यहाँ से, तू भी जा। और तुम कैसी लड़की हो, अपने माँ बाप को धोखा देकर इसके पीछे भाग के आई हो? छी, एक बात याद रखो, मेरे मरने के बाद भी यहाँ मत आना, मेरी चिता को अग्नि देने भी मत आना, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरी चिता को मेरा छोटा बेटा अग्नि देगा, आइंदा इस दहलीज पे मत आना। माफ कर दीजिए पापा, माफ कर दीजिए उसे, बात तो सुनिए सुनिए। क्या हुआ पापा, आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? अंधेरे में मैंने बच्चों के लिए कुछ प्यारे सपने देखे थे, दिन में उसे पूरा करने की कोशिश की, लेकिन वो सपने आज मुझ पर जोर जोर से हंस रहे हैं। तू बेवकूफ है रघुनंदन, तेरा सपना पूरा नहीं होगा, ऐसा कहते हुए वो मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं। मत कीजिए। सॉरी सरसू, इतने सालों से मेरे सुख दुख में साथ रहने वाली, तुझ पर हाथ उठाया मैंने, मुझे माफ कर दो। जाने दीजिए, ने आपको दोष मत दीजिए, हम उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे, आप खुद को गलत मत समझिएगा। पापा, हर रोज अपनी माँ की बिगड़ती हालत देखकर मुझे बहुत डर लगता है मधु, मुझे बहुत डर लगता है। I'm sorry मधु, I forgot myself, I'm sorry। मधु, मधु, ये क्या हो रहा है मुझे? आखिर ये सब क्या चल रहा है? कहीं मैं उसे पसंद तो नहीं करने लगी ना? ये कैसा एहसास है? मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कैसा बदलाव है? क्या तुम्हें पता है? बोलो, ऐसा ही है ना? बोलो, तुम क्यों बोलोगे? तुम्हारी वजह से तो हो रहा है ना ये सब? पता नहीं, मुझे रोना आ रहा है। मैं रोऊं क्या? बोलो, अगर मैं रोऊंगी तो चुप कर रहोगे क्या? अगर तुम गलत ना समझो तो क्या मैं तुम्हें कस के गले लगा सकती हूँ? प्लीज प्लीज यदु,
माँ तू यहाँ रेस्ट कर, मैं तेरे लिए नारियल पानी लाता हूँ। मधु माँ का ध्यान रखना। हाँ माँ, माँ क्या हो रहा है आपको? माँ, माँ क्या हो रहा है आपको? मामा, यदु, हाँ, हाँ, माँ, क्या हुआ? माँ, क्या हुआ? कौन? क्या हुआ? माँ, ये क्या हुआ तुझे? रात को तुम कहाँ थे और तुमने फोन क्यों बंद रखा था अपना? ऐ तुम ऐसे बिना बताए चले जाओगे, मैं क्या समझूंगी? मतलब तुम्हारी माँ क्या सोचेगी? माँ, ऐ ये क्या कर रहे हो तुम? ए? अभी अभी सोई हैं वो। तुम्हें टी या कॉफी कुछ लाकर दूं क्या? नहीं चाहिए। ठीक है, तुम रेस्ट कर लो। ये सब क्या हो रहा है माँ? वो कौन सा सच है जिसे सिर्फ तू देख पा रही है माँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ। तू कुछ बोलती क्यों नहीं माँ? ये सब क्या हो रहा है? कुछ तो बोलना माँ। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों धोखा दिया आपने मुझे? आपको मेरी याद नहीं आई? पिछले 30 सालों से मैं आपके साथ हूँ। किसी ने आपको धोखा दिया और आप बिना बताए चले गए? बोलिए, बात कीजिए मुझसे। बेटा, मेरे बच्चे कैसा है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। तू क्या बात कर रही है? मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। सबने मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। तेरी लाइफ बर्बाद कर दी बेटा, बर्बाद कर दी। पापा ने फांसी क्यों लगाई थी बता क्यों नहीं रही है तू? नहीं, तेरे पापा ने फांसी नहीं लगाई थी, उन्हें मजबूर किया गया था। माँ तू सच कर रही है क्या? हाँ बेटा, उन्हें फांसी लगाने पर मजबूर किया गया है। कौन है बे? मैं आ रहा हूँ, सब संभाल लूंगा। ओम श्री वीरांजनेय स्वामी। सारे देवताओं का आशीर्वाद मुझ पर ही रहे, सारा जग एक होकर रहे। हे केशव, हे चंद्रदेव, हे सूर्यदेव, वीरांजनेय मारुति नमो नमः। उसे मार दूंगा मैं। माँ ये तू क्या कह रही है? हाँ बेटा, उसकी वजह से। हेलो रघु भाई, पैसे तैयार है ना? वो धर्मा भाई ने पैसे के लिए पूछा था, वो अभी आपके पास कितने पैसे हैं? हाँ हाँ हो जाएगा, पूरे पैसे रेडी करके आपको कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी फोन करना। हाँ, ठीक भाई है। कितना चाहिए आपको? 50 लाख चाहिए मुझे। ओ 50 लाख, ठीक है दे देता हूँ।
असल चाहे आराम से दे देना, लेकिन ब्याज का रेट होगा 3%। टाइम पे पहुंच जाना चाहिए हर महीने। बिल्कुल सर, एक महीना भी मिस नहीं होगा। हम 6 महीने का टाइम देते हैं, अगर चुक गए तो मालूम है ना क्या होगा। ये रख लीजिए, बाकी के 25 लाख में लड़के कहां से भिजवा। ठीक है सर। सर सु नाश्ता देना। हेलो, हाँ राजू भाई, हाँ सब रेडी है, आ जाइए। नहीं नहीं, यहीं से निकलते, आ जाइए, इंतजार करता हूं। आप जो कर रहे हो मुझे जरा भी ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ, क्या ठीक नहीं लग रहे सर साहब? हमारे दोनों बेटों में भेदभाव कर रहे हैं आप। एक बात सुन लो, मैं कोई भेदभाव नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारे उस बेटे ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी, चौराहे पे मुझे नंगा कर दिया, उसके बारे में बात मत करो। मेरी चिता को जो आग देगा उसके बारे में सोचो। कितनी बार कहा है कि खाना खाते वक्त उसकी बात मत किया करो। छिट। अरे अरे, ये क्या? बोलने की कोशिश करता हूँ तो याद दिला रही है। ये क्या है, आप चाहे मुझ पर गुस्सा निकाल लीजिए, खाने पर क्यों निकालते हैं? जब देखो नाक पर गुस्सा बैठा रहता है। ये क्या है, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? ठीक से पहन लीजिए। मैं आपको इसलिए समझा रही थी ताकि आने वाले टाइम में दोनों भाइयों में झगड़ा ना हो। पकड़ो इसे। मैं तुम पर भला गुस्सा क्यों करूंगा, और अगर हो भी गया तुम हो ना उसे शांत करने के लिए, तुम मेरे अर्धांगिनी हो। और अगर मुझे गुस्सा आ भी गया तुम्हारा ये प्यारा चेहरा देखकर आइए राजू भाई, नाश्ता करते हैं। नहीं नहीं भाई, आप लगे रहिए, वहां सब रेडी है, आप तो बस चलिए बस मेरे साथ। सरसु मैं आता हूं। अरे रघु भाई, ये धर्मा भाई का अपार्टमेंट। अच्छा। हाँ आइए, मैं फ्लैट दिखाता हूँ, लेकिन थोड़ा संभाल के हैं। ठीक है ठीक है। कुछ भी बोलिए रघु भाई, हम जैसे मोटे इंसान का सीढ़ी चढ़ने का मतलब हिमालय चढ़ने जैसा है। अगर चढ़ जाए तो गिनीज रिकॉर्ड बन जाए। अब बस समझ लीजिए कि 4 फ्लोर और चढ़ जाए तो मैं पतला ही हो जाऊंगा। राजू ब्रोकर नाम है मेरा, लेकिन मेरे पैर ब्रोक नहीं होते, मतलब ब्रेक नहीं होते। ऊंचे लोग के लिए ऊंचा फ्लैट है, इसी में थक गए आप? मेरे बेटे की खुशी के आगे ये कुछ भी नहीं है राजू भाई, चलिए। अरे यहाँ लकड़ी लोहा से पैर बचा के चलिएगा, समझ गए? तुम भी संभाल कर। धर्मा भाई ने कहा था कि वो यही मिलेंगे, मैं उन्हें देखकर आता हूँ, आप यही रहिएगा, कहीं चले मत जाइएगा, बुलाऊंगा आपको। अरे वाह, ओ क्या चीज है। अच्छा दीवार भी चपक के खड़ा भी बताता हूँ फिर। क्यों खड़ा तू यहाँ पर? वॉचमैन हूँ सर। वॉचमैन हो? पर बहुत अच्छे से वॉच कर रहे हो तुम। थैंक यू। चल अच्छे से खड़ा हो जा। आप बता धर्मा भाई कहाँ है? अरे उनका तो फोन आया था ना, वो फोन आया तो चले गए। ऐसा क्या? काम नकाज के दुश्मन अनाज के। ए वॉचमैन, ठीक से वॉच कर कमर को। हाँ ठीक है। इसकी कमर को नहीं, बिल्डिंग की कमर को। ठीक है सर। चल आया बड़ा। सुनिए ना, वो तो चले गए। अरे उनका अर्जेंट कॉल आया था इसलिए वो चले गए। चलिए हम भी फार्म हाउस चलते हैं। हम भी चलते। लोग कहते हैं कि नो फियर इज रघु भाई इज हियर। अरे सरसु भी आ गई,
उसे भी साथ में लेकर चलते हैं। बैठ जा। आप भाभी के साथ आइए, मैं आगे चलता हूं। हाँ रघु भाई, ये देख लीजिए, ये रहा उनका फार्म हाउस, लेकिन मेरा नहीं है ये। चलिए कोई बात नहीं, वो यहीं रेस्ट करते हैं और उनकी सारी डील्स भी वो यहीं करते हैं। रघु भाई यहाँ जगह नहीं है, वहां बैठते हैं। ठीक है ठीक। अरे भाभी आइए ना, आप शर्मा क्यों रही है? आ जाओ, आप बैठिए, मैं अंदर से बुला के लाता हूँ उनको। हाँ ठीक है ठीक। ए धर्मा भाई कहाँ है? ऊपर है रे। ऊपर है, चलो ऊपर जाना पड़ेगा। पिक्चर समझ में नहीं आ रही तो टीवी ऑफ करके बैठना, समझने की कोशिश क्यों कर रहा है? अरे मेरी मर्जी, मैं चाहे जैसे देखूं, तेरा क्या जाता है बे? पिक्चर समझ में नहीं आए फिर भी देखना चाहिए ना। अगर तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा तो तू खुद को समझा के अपने आप को क्यों कंफ्यूज कर रहा है? क्या बे, समझा ना। ठीक है, अगली बार से ध्यान रखूंगा। ध्यान रखना। कैसे कैसे लोग चले आते हैं। जा जा बेटा, आप तुझे पता चलेगा। आप पता चला मैं ऐसे ना समझ में आने वाली मूवी क्यों देख रहा था? आया रे आया धर्मा भाई, अब जल्दी होगी मेरी सगाई, देखना है कौन आएगा मेरे पास, देखो। सब ठीक है ना? चलिए मिलाता हूँ भाई किसी से। भाई मेरे अंदर तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। रिलैक्स हो जा राजू। नमस्ते भाई, ये नमस्ते पत्नी है और ये पति है, मतलब रघु भाई है। बेटी थैंक यू, आपके बारे में राजू ने बहुत बताया है। आज के जमाने में बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए माँ बाप एजुकेशन देते हैं और आप उनके लिए घर बना ये रहे हैं। लीजिए साहब, चाय पीजिए। कोई बात नहीं, ठीक। भाभी जी आप भी लीजिए। नहीं बस। क्या है ना, बेटे की बचपन की इच्छा जो थी आप पूरी करना चाहते हैं ना, इसलिए गिफ्ट देना चाहते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, इसलिए मैं आपको, आपने जो पसंद किया है मेरी उसी बिल्डिंग में 1 करोड़ कीमत वाला 3 BHK हाउस आपके लिए, सिर्फ आपके लिए दे रहा हूँ। वो भी 20% डिस्काउंट के साथ। उसके लिए थैंक्स सर। दीजिए, ये तो आपको बड़प्पन है सर, ये थोड़े से पैसे। इतनी सारी लक्ष्मी, लगता है आज पेमेंट मिल जाएगा। बाकी पैसे रजिस्ट्रेशन के वक्त देता हूं। अरे कोई बात नहीं, ठीक है रघु जी, तो फिर उसी दिन जब रजिस्टर करेंगे सारे पेपर्स ले लीजिएगा। ठीक है। चलिए राजू भाई। धर्मा भाई, मुझे बाहर थोड़ा काम है, मैं आपको फोन करके आता हूँ ना। ये लो सोमनाथ। माँ पिताजी ठीक है ना? अरे क्या गुरु, तू भी उनके बारे में सोच रहा है और वो लोग सिर्फ अपने एक बेटे के बारे में सोच रहे हैं। तेरे पापा अपने छोटे बेटे के लिए अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उसकी खुशी के लिए अपार्टमेंट खरीद के दे रहे हैं। अब जाने दो सोमनाथ, छोटे भाई को दे या मुझे दे, क्या फर्क पड़ता है? क्या बात कर रहा है गुरु, वो लोग तो तेरे माँ बाप है ना, तू उनके दिल में रहना चाहिए, तुझे तो मांगना चाहिए उनसे। हाँ सोमनाथ, मांगने पे वर देने वाले भगवान को हम घर में जगह देते हैं, लेकिन वहीं पर जन्म देने वाले माँ बाप को अपने मन में जगह नहीं दे सकते ना।
ये सरकारी जगह? ये क्या नोटिस? सुनिए भाई साहब, ये नोटिस कैसे है भाई? सरकार की जगह लिखा है। ये वो धर्म भाई का है ना? कौन धर्म भाई? वही भाई जिन्होंने मुझसे पैसे लिए थे फ्लैट के लिए। अरे भाई, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, किसी ने इसको कब्जा करके बनाना शुरू किया था, इसलिए स्टे लग गया है। ये बोर्ड देख ले रे बाबा, सरकारी जगह है। लेकिन मुझसे पैसे लिए। ए, तूने किसको पैसे दिए? जाके उसको ढूंढ, मुझे क्यों बता रहा है? डूब गए तेरे पैसे। एक मिनट तो सुनो। एक और बकरा फंसा। अब क्या करूं मैं? क्या करूं? कहाँ है तू? बाहर निकल। धर्मा, धर्मा कहाँ है तू? बाहर निकल। क्यों मुझे धोखा दिया? इसी तरह धोखा देकर इतना बड़ा घर बनाया? बाहर निकल तुम। ए, कौन है रे तू? इतना गला क्यों फाड़ रहा है? ए भाई, तुम चुप बैठो। कहाँ है धर्मा? अरे आवाज नीचे कर, भाई ऊपर है। चुप बैठने को कहा ना मैंने? अरे भाई, कौन चिल्ला रहा है? ओ रघु भाई, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? क्या हुआ धर्मा, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? आप खुल के बताएंगे तो हम समझ पाएंगे। अरे तू तो चुप ही बैठ। तुम पर मैंने भरोसा किया था ना? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सुनिए, ये मेरे 20 सालों का सपना है, अपने बेटे के लिए पाई पाई जोड़कर जमा किया वो पैसा है। वो भगवान के लिए ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। देखिए रघु जी, जैसा आप सोच रहे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। आप घर जाइए, क्या हुआ है मैं पता लगाता हूँ। क्या कहा? पता लगाओगे? सरकार की जगह अपनी बताकर मुझसे पैसा ले लिया तुमने? मतलब वो जगह तुम्हारी नहीं है? रघु भाई, इस पते का पता आपको चल जाएगा। आप तो शांत हो जाइए बस। अगर तुम चाहते हो कि मैं शांत हो जाऊं तो पहले मेरे 70 लाख वापस दो। सुनिए, धर्म नाम है आपका, अधर्म का काम मत कीजिए प्लीज। सुनिए, मैं किसी को धोखा नहीं देता, लेकिन अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो मैं चुप नहीं रहूंगा, याद रखना। धर्मा भाई, ये तो फ्री की धमकी देके जा रहा है, इसको निपटा दूं क्या? इतना लेट क्यों? कहां रह गए थे? कुछ नहीं, सर दुख रहा है। अच्छा तो हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, बाद में मैं आपको दवाई लगा दूंगी, दर्द कम हो जाएगा। नहीं सरसू, तुमने खाना खाया? अभी नहीं। तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। अचानक इन्हें क्या हुआ है? ऐसे बोलकर अंदर गए और लाश बनकर बाहर आए बेटा। माँ, 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 माँ। ए, क्या कर रहा है रे? यहाँ क्या कर रहा है? कौन है रे तू? इस घर के मालिक। इस घर पे ताला लटका हुआ है, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? दिमाग काम नहीं करता क्या? ए, चल निकल, चल। धर्मा भाई के आदमी अपुन लोग, ठीक से रहने का, चल। धर्म से मत उलझना वरना मारा जाएगा, अगली बार याद रखना। चल यहाँ से। ए, गाड़ी निकल। अरे क्या रे धर्मा, धंधा ठीक चल रहा है ना? धर्मा भाई के आदमी हम लोग, चल निकल रहे। मार दूंगा मैं, मार दूंगा मैं, लेकिन कैसे मारू? काट काट के मार डालू, कैसे कैसे कैसे? छोटे 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 टुकड़े कर दूंगा। नहीं नहीं, शूट कर दूंगा। हाँ हाँ, शूट कर दूंगा। नहीं नहीं, एक्सीडेंट एक्सीडेंट करा दूंगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं
ये भगवान। हाँ हाँ, इंजेक्शन लगा के मार दो क्या? हाँ हाँ, ये करूंगा। नहीं नहीं, कैसे मारूं मैं उसे? कैसे कैसे? आज जो भी करूंगा तो पक्का कल फंस जाऊंगा, तो क्या होगा? मेरी माँ अनाथ हो जाएगी। माँ 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 माँ, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तो कैसे मारू उसे? तो कैसे मारू उसे? जान ले लूंगा, जान ले लूंगा। सर जी, पता चल गया आपको भी, इस धर्मा का नाम कर्नाटक में ही नहीं पूरे देश में फैलना चाहिए। बड़ी बड़ी आसमान छूमने वाली बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए नंबर वन बिल्डर होने का सम्मान मिला है। अब उसी खुशी को मनाने के लिए मेरी आसमान छूने वाली बिल्डिंग में शराब और शबाब का इंतजाम किया है। मिस मत करना, आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे लोगों की सरकार की वजह से ही ये धर्मा आज इस लेवल पर खड़ा है। भूलना मत सर जी, इसी मंथ की 30 तारीख को बिना भूले आप आओगे ना? ठीक है सर जी। अरे धर्मा भाई बहुत बिजी हैं, वो दारू तंगड़ी की प्लानिंग करेंगे या तुमसे बात करने की प्लानिंग करेंगे? चलो रखो फोन। बर्थडे सेलिब्रेट करोगे, अब तुम सबकी मैं डेट फिक्स करूंगा। यस। ये क्या? पापा के इतने सारे सिग्नेचर? ये क्या? डायरी में जो हैंडराइटिंग है और इस नोट पे जो राइटिंग है, ये दोनों सेम है। ओह, मारने वाला साइन क्यों करेगा? ये डेथ नोट तो पुलिस के पास होना चाहिए, ये पप्पू के पास कैसे आया? सर नमस्ते। मैं यदु। तुम यदुनंदन हो ना? हाँ सर। आओ प्लीज बैठो। मेरा कांस्टेबल बता रहा था कि तुम मुझसे मिलने की बहुत कोशिश कर रहे हो, और तुम्हें शक है कि तुम्हारे पिता की हत्या हुई, सुसाइड नहीं किया? क्या कोई सबूत है क्या तुम्हारे पास? मुझे आकर के जरूर बताना अगर कोई प्रूफ मिले तो। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि तुम्हारे पापा ने सुसाइड किया है। सारे सबूत ये कहते हैं कि तुम्हारे पापा ने सुसाइड ही किया है। जानते हो यदु, आज जो तुम्हारे साथ हुआ है ना, 10 साल पहले ये घटना मेरे घर में भी हुई थी, इसलिए तुम्हारे दर्द को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। और तुम्हारे साथ तो तुम्हारी माँ का दर्द भी शामिल है, तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को ज्यादा तकलीफ ना हो, इसके लिए मैंने एक केस क्लोज कर दिया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ पता चला कि हत्या नहीं आत्महत्या है, और फिर उस डेथ नोट में मिली हैंडराइटिंग तुम्हारे पिता की है, ये साबित हो चुका है। खैर तुम बताओ कि तुम्हें शक कैसे हुआ? कुछ नहीं है सर, वो नोट मिलेगा क्या? यस ऑफ कोर्स। बालाजी, मेरे कमरे में से पिंक वाली फाइल लेकर आओ। ये लो। सर इस डेथ नोट की एक कॉपी मैं रख लूँ? इट्स ओके, रख लो तुम। लेकर आती हूँ बेटा। हाँ मजा आ रहा है। मछली जल की रानी है, चाय बना के लो। उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी।
निकालोगे तो मर जाएगी। मजा आ रहा है नन्हे। मुंह बंद करो और चुपचाप नहा ले। चाय पियो। माँ कैसी है? ठीक है ना? अच्छी है। कैसे हो चाचा जी? दादी ठीक है ना? चल यहाँ से। मम्मा। मैंने कहा चुपचाप खड़ी रहो। पापा की डेथ तुम्हें सुसाइड लगती है क्या? क्यों? क्या कह रहा तू? जब पुलिस को कोई शक नहीं है तो तुम्हें क्यों है? आप सबसे दूर हम जैसे तैसे जी रहे हैं। हमें परेशान मत कीजिए। हमारी खुशी पसंद नहीं तो कह दीजिए, हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। जब सब प्रूफ हो चुका है तो आप ये सब क्यों कर रहे हो? बेटा होने के नाते इनसे जो हुआ कर दिया है इन्होंने। आपको चाहिए तो तहकीकात करवाओ, हमें अपने हाल पर छोड़ दो। कोर्ट कचहरी घूमने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? कितनी बार तुमसे मैंने कहा है, वो बेचारा कुछ बताने आया है, जब देखो बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है। आपका दिमाग खराब हो गया है जी। बिल्कुल सही कहा, मुझे बिल्कुल दिमाग नहीं जो तुझे समझा रहा हूँ। अब ये कहाँ गया? माफ कर दे भाई, उदास मत होना। तेरी भाभी की बातें बस थोड़ी कड़वी हैं, लेकिन हमारे पापा की तरह ना उसका दिल बहुत ही अच्छा है। पुरानी बातें भूलने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना उसे। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी और माँ की तरह ही तुझे प्यार भी करेगी। चाय लेकर आता हूँ। अरे कोई बात नहीं भाई, आपके पास जो भी आएंगे उनके फर्जी साइन करने में मैं बहुत माहिर हूँ, जानते तो है ना आप मुझे। ऐसे फर्जी साइन करके हमारे धर्मा भाई बड़े धर्मा भाई बने हैं। जितने जल्दी आओगे उतनी जल्दी पाओगे। ये ले चाय पी ले। पापा जब जिंदा थे तो मैं उनका अच्छा बेटा नहीं बन पाया, हमेशा उनकी मर्जी के खिलाफ रहा, हमेशा उनकी बात काट कर मैं बड़ी गलती करता रहा। हो सके तो मुझे माफ कर देना भाई, मुझे माफ कर देना। तू रो मत मेरे भाई, मुझसे देखा नहीं जा रहा। भूलना मत सर जी, इसी मंथ की 30 तारीख को। ऐसे फर्जी साइन करके हमारे धर्मा भाई बड़े धर्मा भाई बने हैं। क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही माँ। मैं सुला देती हूँ। ये लीजिए, रेंट का और खाने पीने का एक बार गिन लो। ये लो। नाश्ते और खाने का पैसा नहीं चाहिए, बस किराया ही काफी है। क्यों? वो क्या है ना, मैंने मन्नत मांगी है कि 3 महीने तक अन्नदान करूंगी, इसीलिए। मधु। हाँ। वो क्या है ना, अगली बार जब तुम मंदिर जाना ना, तुम किराया भी नहीं लोगी, ऐसी मन्नत मांगना। What? ठीक है। Hmm.
बत्ती, मोमबत्ती किधर है रे? कैंडल तो ओल्ड फैशन हो गया भाई, ये देख छुरछुरी। अरे ये क्या, पहले तो तुम्हें खाना पड़ेगा। अरे दोनों का साहब अभी लीजिए। अरे सारा केक मत खा, मेरे लिए बचा दो। शराब तुम ले लेना, शराब मैं ले जाऊंगा। तुम कुछ भी बोल रहे हो यार। धर्मा भाई, अब आप मुझे भाई बोलो, मतलब आप बहुत चढ़ गई है इसलिए गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा। बैठ जा तू। नहीं आपको चढ़ गए तुझे, बैठ जा, मैं चलाता हूँ। भाई अप्पा, मैं मेरे अपार्टमेंट पहुंच गया। ये मतलब तो मेरा अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट भाई, ये सब मुझे भ्रम हो रहा है क्या? अच्छा, ये तो भ्रम देख का ही काम हुआ लगता है। अरे चलो ना भाई, क्या देख रहे हो? धर्मा भाई, आपको मैं एक वॉच कराऊं? यहाँ का वॉचमैन है ना, वो ठीक से वॉच नहीं कर रहा है। मैंने खुद वॉच किया है। अब आप भी वॉच करो। उसकी वॉच करने का जो स्टाइल है बिल्कुल वॉच के हिसाब से नहीं होता, कुछ भी करता है वो। चलो देखते हैं। मैं तो बताता हूँ, शर्म आती है, आप खुद जाके देख लो। चलो दोनों जाएंगे ना, सारा देख के डर जाएगा। ये लो चाय। अब तो तुम्हारे पापा की आत्मा को शांति मिल गई होगी ना? धर्मा भाई, एक बात का जवाब दीजिए, थोड़ा मुश्किल है। हम ऊपर से नीचे नीचे आ रहे हैं या नीचे से ऊपर ऊपर जा रहे हैं? पता नहीं मजा पार्टी में आया था या यहाँ आ रहा है। धर्मा भाई, आई लव यू क्योंकि आपने पार्टी दी मुझे। भाई मेरे दिल की बात जो है ना, वो पेट से निकल रही है। ऊपर नीचे नीचे ऊपर मतलब हल्का ज्यादा भारी होता है या भारी ज्यादा हल्का होता है? मैं हल्का हो गया तो बात बताता हूं आपको। रुक एक मिनट रुक। अरे यार, हेलो सर जी, कैसा था पार्टी? सर जी आप खुश हो गए ना? बस मुझे वही चाहिए था सर जी। धर्मा मेरा नाम है, धर्मा सा। लेकिन धर्म कुछ करता ही नहीं, कुछ धर्म नहीं करता। यमा धर्म है मैं। अरे सर जी, फोटो खींचने के लिए ड्रोन भेजा का आपने, शुक्रिया। फोन मत कर, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए, ठीक है धर्मा भाई? कहाँ चले गए मेरे धर्मा भाई? धर्म तो निभाओ अपना। मैं कितना, अरे वाह, ये तो हेलीकॉप्टर भेज दिया उन्होंने। धर्मा भाई देखो, मैं यहाँ पर हूँ, अब नीचे तो आओ, तभी तो बैठूंगा मैं। यस यस, मैंने कर दिया। अरे कमीने, वो मेरी साड़ी है, छोड़ उसे, ये ले भाग। कोई देख तो नहीं रहा ना? नहीं नहीं,
हाँ ये सच है, बट मेरे पापा की आत्मा शांति से नहीं। ये क्या बोल रहे हो यदु, तुम्हारे पापा की मौत का कारण वही है ना? जानते हो उन सब की मौत का उनके मरने का कारण मैं ही था। तो उन्हें भी मार डालो ना। कैसे मारता मधु, मैं तुम्हारी नहीं पाया, मैंने नहीं किया है। क्या कैसे मारोगे? अच्छा जिन पर तुम्हें शक था उन्हें तो तुमने मार दिया ना, और जो तुम्हारी आंखों के सामने है उन्हें तुम जाने दोगे? हाँ, ये नहीं हो सकता। बताओ बताओ कौन है वो? तुम्हें नहीं बता सकता मधु, मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? बोलो बोलो कौन है वो? मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरा भाई है। यस, मैं नहीं मारा तुम ना, मैं नहीं मारा है। कोई नहीं जान पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा। मगर तुमने इतने पैसे कमाए, मुझे बहुत खुशी है, मैं बहुत खुश है सच में। ये सोमनाथ, मैं तुझे एक आज सच्ची बात बताऊंगा सोमनाथ। आज जो है मेरे पास कार है, गाड़ी है, घर है, ये सब किसकी वजह से पता है? ये सब मेरे बाप का पैसा है। जानना चाहोगे क्या? बचपन से ही पापा मुझे प्यार नहीं करते थे, लेकिन माँ माँ बहुत प्यार करती थी मुझे, मुझे और मेरे भाई को बड़े स्कूल में पढ़ने भेजा। और मैं ना पढ़ने में काफी कमजोर हुआ करता था, इसलिए पापा मुझे मारा करते थे, जानते हो सोमनाथ। मेरी इस कमजोरी की वजह से मेरे पापा मुझे प्यार नहीं करते थे सोमनाथ। ये क्या मार्क्स है तुम्हारे? दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो? जीरो मार्क्स आए तेरे। अनपढ़ अनपढ़ करके मारा करते थे सोमनाथ। भैया जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं वो कमजोर होते हैं क्या सोमनाथ? तुम्हें याद है तुमने एक बात कही थी जब हम नारियल पी रहे थे? तेरे पापा ने सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपने छोटे बेटे के लिए फ्लैट खरीद रहे हैं। तेरा वो बाप है ना, तुझे भूल गया है। उसी दिन से स्टार्ट किया था मैंने काउंटडाउन। मैंने अपने पापा को फॉलो करना शुरू कर दिया तो मुझे पता चला कि मेरे पापा उस बिल्डर से वो फ्लैट खरीदने वाले हैं। ये सब जानकारी मुझे वहां से मिली। सोच के देखिए सर, मेरे पापा के दिए 60 लाख रुपए और फ्लैट भी ना देना पड़े, पैसे और फ्लैट दोनों फ्री में मिल जाए तो। तुझे नहीं लगता कि तू अपने बाप को धोखा दे रहा है? धर्मा भाई, इस दुनिया में खून के रिश्ते से ज्यादा पैसे की ज्यादा वैल्यू है। सही कह रहा हूँ ना? करेक्ट। मुझे पैदा करने वाले को भी पता ही नहीं चला कि उनका बेटा ही उनको धोखा दे रहा है। उसके बाद भी तू इतना डरता क्यों है? धर्मा बाहर निकल तू। उसी समय मेरा बाप वहाँ आ गया था। मैं किसी को धोखा नहीं देता, लेकिन अगर किसी ने मुझे धोखा दिया तो मैं चुप नहीं रहूंगा। याद रखना। अरे डर गए क्या? मर्यादा के लिए उस बिल्डर और मेरे बीच एक डील हुई। ये पैसे हैं, लेकिन ध्यान रखना। और उसी रात मैं अपने घर गया, चोरी से अपने घर में घुसा। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी माँ? पापा इस घर को बेच करके उसे फ्लैट दिला रहे हैं ना, क्यों मैं उनका बेटा नहीं हूं क्या माँ? क्या मैं तेरे पेट से नहीं जन्मा? ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा माँ, ऐसा क्यों कर रहे हैं माँ बताना? इससे पहले कि माँ जाग जाती मैंने अपनी माँ को बेहोश कर दिया सोमनाथ। उसके बाद मैं अपने पापा के रूम में गया। पापा को देख के लगा कि मैं अपना सारा दर्द अपने पापा से बता दूं, उनके पास जाकर बता दूं। पापा मैंने ऐसी क्या गलती कर दी पापा? आपका बेटा होना गुनाह है क्या पापा? पापा 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 यहाँ क्यों आया? यहाँ आने से मना किया था ना तुझे? पापा फिर क्यों आया? सरसो पापा 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 अपने बाप को धक्का देता है, मुझ पर हाथ उठाते है, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। पापा पापा
छोड़ो मुझे पापा, छोड़ो छोड़ो सरसों पापा, आपको मरना होगा। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं सर। मैंने तो गलती से ही अपने पापा की जान ले ली थी। पापा पापा, मैंने फिर तिजोरी से एक साड़ी निकाली और पापा के गले में बांध दिया और उसके बाद पापा को पंखे से लटका दिया था मैंने। उस समय मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था सोमनाथ, मुझे जो लगा मैंने वही किया। बचपन में पापा की डांट से बचने के लिए मैं पापा की जाली साइन किया करता था, उसी को मैंने मेरे पिताजी के डायरी से एक शब्द को चुना और फिर उनकी तरह एक डुप्लीकेट सुसाइड लेटर लिखा और साइन करके वहां से भाग आया सोमनाथ। मैं उस रात बहुत डरा हुआ था सोमनाथ। मेरी बीवी बार बार मुझे फोन कर रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जैसे तैसे मैं घर आया सोमनाथ, उसी डर में मैं रात भर सो भी नहीं पाया सोमनाथ। मैं सारी रात डर में ही रहा, तब तक तेरा फोन आया। उसके बाद तो तुझे पता है ना सोमनाथ, मैं बेवकूफ नहीं है सोमनाथ। और जानता है ना, उस दिन पुलिस जब वहां पर आई थी, मेरी परफॉर्मेंस देखकर वो भी शॉक रह गई थी। काश मेरे पास भी ऐसा बेटा होता। लेकिन पता नहीं कैसे मेरे छोटे भाई को शक हो गया था सोमनाथ। जैसे ही उसने मुझसे कहा कि पापा ने सुसाइड किया था, मेरी बीवी ने चिक चिक शुरू कर दिया। उसकी चिक चिक सुनकर मेरा भाई वहां से चला गया। मेरी बीवी भी बहुत अच्छी एक्टर है। अरे तू बहुत सही है मेरी जाने मन, तेरे साथ तो मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। उसके बाद जानते हो, मैं अपने भाई के पास गया और उससे दो प्यारी प्यारी मीठी बातें की। उसके बाद मैंने भी उसको भटका दिया। मैं बेवकूफ हूँ क्या? बेवकूफ हूँ क्या? मेरा पेट में जलन हो रही है। तुम जानते हो मैं और मेरी पल्लवी ने कितना दुख झेला है, तुम जानते हो सोमनाथ? बच्चे के पैदा होने के बाद भी देखने नहीं आए थे वो लोग सोमनाथ। पिताजी को पिता होने का एहसास ही नहीं था। पिताजी, माँ, मैं मानता हूँ सोमनाथ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन बच्ची ने क्या गलती की थी? ए! रास्कल, घर चल। चौआ उसे भूलकर घर चल, सीधे चल, चल घर चल। ऐसे बुलाएगी ये सोचा था मैंने सोमनाथ? पापा ने नहीं बुलाया सोमनाथ, पापा ने नहीं बुलाया सोमनाथ। उसके बाद मैंने डिसाइड किया सोमनाथ। यही डिसाइड किया था सोमनाथ। चल चल छोड़ दो पापा को। जादू, मेरे सुहाग को मत मारो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। छोड़ दो इन्हें, मेरी बच्ची अनाथ हो जाएगी। छोड़ दो प्लीज, मेरे पति को छोड़ दो। हम कहाँ जाएंगे इनके बिना? प्लीज छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो प्लीज। अंदर मैं अपने पापा को देखता था। चल। ए, अब बताओ मधु, अगर मैंने भैया को मार दिया होता तो आज मेरी जगह पर यहाँ मेरे भाई की बेटी होती मधु, और मेरी माँ की जगह पर मेरी भाभी होती। इसीलिए नहीं मारा, छोड़ दिया उसे। अच्छा, तो फिर जिनको तुमने मारा है उनकी बीवी बच्चों का क्या? वो पाप नहीं है क्या? बोलो। पाप नहीं है, क्योंकि आज जो मेरी और मेरी माँ की हालत है ना, आने वाले वक्त में किसी की भी नहीं होगी ऐसी हालत। मुझे तसल्ली होगी। मधु,
अब हम दो दिन ही रहेंगे यहाँ, और अगर आप चाहें तो अपने गेट पर टॉयलेट का साइनबोर्ड लगा सकती हैं, भूलिएगा मत। मत रो मधु, ऐसे रोने से क्या फायदा होगा, एटलीस्ट उसे बात करके तो देख वो क्या कहता है। कैसे बोलूं दीपू, जब मुझे प्यार करने वाले मेरे पापा मुझे छोड़कर जा रहे थे, मैं उन्हें कन्विंस नहीं कर पाई, तो मैं इसे कैसे कन्विंस करूं जो मुझसे प्यार ही नहीं करता। नहीं कर सकता, मेरे माँ बाप ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं अपने दिल से कहूँ तो मैं अब किसी से प्यार ही नहीं कर सकता, मैं अब कुछ भी नहीं चाहता हूँ। आज पता नहीं क्यों गुरु से मिलने का मन हो रहा है यदु, मिलने चले क्या? ऐसे पापी इंसान से क्यों मिलेगी माँ? मैं तैयार होती हूँ। ये पैसे लेकर हमारे घर के पेपर वापस कर दीजिए सर। माँ जी, तुझे दौलत चाहिए ना, ये ले। ए सरसो, हम अपना एक घर बड़े बेटे गुरु को देंगे, एक बेटा तो सेटल हो गया, बचा इन दोनों की खुशी तो हम दूर से देखेंगे, बच्चों की खुशी से ज्यादा और क्या चाहिए हमें। ये पैसे लीजिए साहब। कुछ नहीं, अपने पापा का ध्यान रखना और इस गाड़ी का भी। मत रो बेटी, हम मिलने आएंगे, अपना ध्यान रखना। अब हम जा रहे हैं मधु, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स क्यों बोल रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए मुफ्त में कुछ भी नहीं किया है। ओके, ये रही तुम्हारे घर की चाबी। हमारे जीवन में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो अचानक ही बन जाते हैं, वो भले साथ रहे ना रहे लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो देखा आपने, इस दुनिया में हर इंसान के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है और एक बहुत बुरा, लेकिन उन दोनों में से चुनना हमारे ही हाथ में रहता है। चॉइस इज योर बडी। याद रहे, माता पिता हमारे जीवन के रक्षक होते हैं।